को 12 फुलाओ। हम एक गुब्बारे को उसमें फूके बिना फुलाने का प्रयास करेंगे। सिरका और खाने का सोडा मिलाने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस छूटता है। यदि आप इन दोनों को मिलाकर और शीघ्र ही उस पात्र को गुब्बारा जोड़ देंगे और अन्य रंध्रों को बंद कर दोगे तो गुब्बारा कार्बन डाइऑक्साइड से फूल जाएगा। आवश्यक सामग्री: सिरका, सोडियम बाइकार्बोनेट जिसे खाने का सोडा भी कहते हैं, गुब्बारा, फनल, लाल रंग, चम्मच तथा संकरी गर्दन वाली बोतल। अब हम देखते हैं कि यह कैसे होता है। देखें, सिरके में कुछ लाल रंग की बूंदें मिला दो, उसे लाल बनाओ। सिरका अब लाल है। इसे एक लंबी संकरी गर्दन वाले बोतल में 1/4 जितना भर दो। गुब्बारे में सोडियम बाइकार्बोनेट फनल द्वारा भरो। गुब्बारे का मुंह बोतल पर लगा दो। ऐसा करते समय यह ध्यान रखो कि सोडियम बाइकार्बोनेट गुब्बारे से बाहर गिर न पाए, अतः प्लीज ध्यान पूर्वक करो। गुब्बारा उठाओ और देखो कि सोडियम बाइकार्बोनेट बोतल में गिर पड़ा है। सिरके में बुलबुले निकलने लगेंगे और गुब्बारा धीरे से फूलना शुरू करेगा। क्या आपको मालूम है यह क्यों हो रहा है? इसलिए क्योंकि सिरका और सोडियम बाइकार्बोनेट में प्रतिक्रिया हो रही है और कार्बन डाइऑक्साइड के बुलबुले निकल रहे हैं। जैसे अधिकाधिक गैस बनती है, बलून अधिक फूलता जाता है। बड़ा मजा आया है ना? क्या तुम बता सकते हो ये कैसे हुआ? आपने एक कार्बन डाइऑक्साइड नामक गैस बनाया। यह गैस गुब्बारे में घुसा और वह फूल गया। कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है जो सोडा में बुलबुले बनाता है। तो याद रखो कि विज्ञान केवल विज्ञान नहीं, बल्कि वह तो जादू है।